बापूजी, मैं तो धन्य हो गई सुबह सुबह आपसे बात कर कर। पता है बापूजी, आज ना मैंने आपको सपने में देखा और देखो सपने से उठकर ही आपसे बात हो रही है। पर अभी कहाँ बात हुई, अब तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। कुछ बोलिए ना बापूजी, अब मुझसे नाराज हो क्या? अरे हाँ नहीं, वो क्या है ना बापूजी, आपका नंबर देखकर ही मैं इतनी खुश हो गई कि क्या बताऊँ। चलो अच्छा है, दिन की शुरुआत में ही आपसे बात हो गई, आज तो मेरा दिन मस्त जाएगा एकदम। अच्छा वो कैसे? अरे हाँ बापूजी, थैंक यू। आज तो मेरा जन्मदिन है, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू बापूजी। ए बापूजी, मैं ना आपको फोन से पैर छू रही हूँ, आशीर्वाद दे देना। जी बापूजी, हाँ सबको कह दूंगी। चलिए जय अम्बे। आज तो मेरा जन्मदिन है। हाय, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर माही, हैप्पी बर्थडे टू यू। माही, माही! लगता है सागर जी मुझे जन्मदिन की बधाई देने आ रहे हैं। आज तो मेरा दिन है, सब आगे पीछे घूमेंगे। हाँ सागर जी। क्या हाँ सागर जी? वही, तुम ना एकदम टिपिकल वाइफ बन गई हो, जिसे शादी के बाद अपने पति की कोई चिंता नहीं हो, बिल्कुल वैसी। अब मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम आजकल कुछ करती नहीं। क्या मतलब? मैंने कल तुम्हें क्या कहा था कि मेरी शर्ट प्रेस करवा दे, अब मुझे बाहर जाना है, लेकिन शर्ट तो तुमने प्रेस करवाई नहीं। मेरी बात की वैल्यू नहीं है ना। अरे सागर जी, वो व्हाइट वाली शर्ट ना आपकी मैंने कब से प्रेस करवा के रख दी है। मैं व्हाइट नहीं, ब्लैक शर्ट की बात कर रहा हूँ, ब्लैक शर्ट। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? ये काम भी तुम अच्छे से नहीं कर सकते। अभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमसे शादी करके बस मैं फंस गया। शादी कर कर आप फंस गए हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? देखो मैं, तुम्हें बुरा बोल के मुझे बुरा नहीं बनना। वो कहते ना कि लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, वैसे ही बुरे को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। स्कूल में सिखाया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं कह सकता कि सब कुछ तो बोले जा रहे हो कब से। और बड़े आए ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, सुबह सुबह ऐसी बातें करके मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। और तुमने जो मेरी जिंदगी खराब कर दी उसका क्या? क्या? अब छोड़ो, मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी है। अरे मैं कोई भी शर्ट पहनूंगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे सागर जी, मैं आपका वो ब्लैक शर्ट प्रेस कर रही हूँ ना। लेकिन मुझे तुमसे शर्ट प्रेस करवानी ही नहीं, आप जाइए और आराम कीजिए, आई विल मैनेज। और या प्लीज, आप चपड़ चपड़ शुरू मत कर देना। सुबह सुबह मुंह ऑफ कर दिया। ससुराल में मेरा पहला जन्मदिन है और सागर जी ने ऐसा गिफ्ट दिया मुझे। अभी 4 दिन पहले ही तो बात हुई थी कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, फिर भी सागर जी को याद नहीं है। पूरी दुनिया का झगड़ा लेकर आ गए। सॉरी। क्या भाभी, काम बढ़ा दिया सुबह सुबह। और सॉरी सॉरी सब तो सबसे ज्यादा खराब शब्द है, अंग्रेजों ने ना अपनी खुन्नस निकाली है सॉरी बनाकर। किसी को कितना भी परेशान करो और सॉरी बोल दो। ए? सॉरी बोल रहे हो ना प्रवीण भाई? लाइए मैं साफ। नहीं नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ, आप रहने दो, मैं कर लूंगा। क्या बात है, आज प्रवीण भाई का मूड भी उखड़ा उखड़ा है, अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं। माही जरा आओ तो इधर। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। चलो कम से कम मम्मी जी को तो याद है कि आज मेरा जन्मदिन है। रे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? आज सूरज पूरब दिशा की जगह पश्चिम दिशा से निकला, ये गंगा आज उल्टी क्यों बह रही है?
क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगी? एक मिनट सासू माँ, माफी? किस बात की माफी? हर बात की। बात बात पे जो तुम मुझसे आर्गुमेंट करती हो, अभी वो प्रवीण भाई की जो तुमने ट्रे गिरा दी थी, ऐसी बातों की। एनीवेज, अब जब तुमने मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांग ही ली है, तो मैं भी तुम्हें माफ करके आशीर्वाद दे ही दूँ। एक मिनट सासू माँ, मैंने कोई माफी नहीं मांगी है आपसे, मैंने कोई गलती की नहीं है। लो कर लो बात, अब चोर कभी कहेगा कि उसने चोरी की है? लेकिन जब तुम्हें माफी मांगनी नहीं थी तो मेरे पैर क्यों छुए? इसका मतलब मम्मी जी को भी याद नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। अरे बोलो भी। पहले आप मुझे ये बताइए, आपने अभी अभी यहाँ ऐसा क्यों बोला कि आज एकदम स्पेशल दिन है? क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में हमारे आने वाले इलेक्शंस के बारे में ओपिनियन पोल आई, जिसके हिसाब से हमारी विकास पार्टी की जीत पक्की है। तो हुआ ना ये दिन स्पेशल। चलो अब तुम बताओ कि तुमने मेरे पैर क्यों छुए? यू ही? आप तो ऐसे सवाल जवाब कर रही हो सासू माँ, जैसे मैंने आपके पैर नहीं तिजोरी छू ली हो। ओहो, इसका मतलब ये कि तुम्हारी नजर मेरी तिजोरी तक है? हे भगवान, तो मेरी सेफ भी सेफ नहीं है। माय डियर देवरानी, आओ ना यहाँ जरा। ये लो जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उनको मेरा जन्मदिन याद है और वो मुझे तोहफा भी दे रही है। भाभी इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं है, आज तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खोलो ना। अच्छा? हाँ। टाइट है ना? हाँ, यार थोड़ा। समथिंग बट खुल गया। थैंक यू सो मच। मैं कब से कोशिश कर रही थी इस डिब्बे को खोलने की, खुल ही नहीं रहा था। And you know what? आज तो हद ही हो गई। हाँ, आज तो सच में हद हो गई। और नहीं तो क्या? आज जब मैंने अपनी ब्यूटीशियन को अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया ना, तो पता है उसने मुझे क्या कहा? सोनिया मैम, I'm sorry, मेरी शादी हो रही है, इसलिए मैं पार्लर का काम छोड़ रही हूँ। अरे, हद हो गई? ऐसे कोई करता है क्या? How mean? I can't believe this. शादी करके जा रही है? इतना बड़ा धोखा? धोखा? तो वो प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से कर रही है? नहीं नहीं मही, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्यार उसी से करती है जिससे वो शादी करने वाली है। तो धोखा किसको दिया? मुझे? अरे ऐसे कस्टमर को कोई मिडवे में छोड़कर शादी करके जाता है भला? एनीवेज, अब जब तक सोनिया को कोई नई ब्यूटीशियन नहीं मिल जाती, तब तक सोनिया को अपना मेकअप खुद ही करना पड़ेगा। थैंक यू मही, तुमने मेरी किट खोल के दी। थैंक यू सो मच। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ, अगर काम होगा ना तो बुला दूंगी। हाँ